आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्किल डेवलपर पर। जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है उनको ऑलरेडी पता है कि ये चैनल में अभी तक पीटीई रिगार्डिंग वीडियोस बना के डाल रहा हूँ। तो पहले मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाई हुई है अप टू रिपीट सेंटेंस, तो एक वीडियो रह गई थी हिंदी में रिपीट सेंटेंस के लिए। तो आज जो इस वीडियो में मैं रिपीट सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिपीट सेंटेंस फाइनल एग्ज़ाम में कैसे हैंडल करना है। तो इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे रिपीट सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको बता दूं कि ये रिपीट सेंटेंस है जो रीड अलाउड पहले स्टार्ट होगा स्पीकिंग में, उसके बाद रिपीट सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो रिपीट सेंटेंस में 9 to 11 सेंटेंसेस आते हैं स्पीकिंग सेक्शन में। तो इसकी लेंथ हो सकती है 6 to 9 सेकेंड्स। रिपीट सेंटेंस जो टॉपिक है स्पीकिंग में, इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसको करने के लिए। तो ये इजी है, इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत से दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके 90 out of 90 हैं, तो उन्होंने एक दो रिपीट सेंटेंस इधर उधर भी हो गए थे, लेकिन उनके जो पॉइंट है वो पूरे रहे। फिर भी आपने लाइटली नहीं लेना, इसमें हार्डवर्क करना है। तो मीन्स आपने 9 जितने भी आपके पास जो फाइनल में आपके पास सेंटेंस आएंगे, तो सभी को प्रॉपरली आपने उसको पूरी तरह सारे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, ताकि आपके भी 90 out of 90 आए। स्टार्ट करते हैं रिपीट सेंटेंस के बारे में। मैंने पहले जैसे बता दिया कि इसमें 9 to 11 सेंटेंसेस आते हैं। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जब आप सेंटेंस सुनेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हर एक सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो भी वो स्पीकर बोलेगा उसको आप ध्यान से सुनोगे तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होगा, इसलिए ये इजी होता है थोड़ा अंडरस्टैंड करने में। तो चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एक एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। पहले तो हम बात करेंगे कि इस सेक्शन का बनाने का मकसद क्या है। आई थिंक रिपीट सेंटेंस आपकी एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी चेक करता है कि आप एकदम कितना याद रह सकते हो। उसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इसमें मायने रखती है कि आप कैसे इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हो। जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर द सेंटेंस, मीन्स आपको सारा सेंटेंस याद नहीं करना है जैसे स्पीकर बोलेगा, उसको समझना है। तो जब आप समझोगे तो अपने आप याद होके इजीली आप उसको बोल पाओगे। अगर आपने सिर्फ याद किया उसको समझा नहीं, तो आप उसको रिपीट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इस रिपीट सेंटेंस में करना क्या होता है कि जब आप स्पीकर को सुनोगे तो आप देखोगे कि वो कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रहा है। आपने वो ध्यान रखना है कि वो किस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा है। इट मीन्स कि वो वर्ड इम्पॉर्टेंट है, मीन्स वो सारा सेंटेंस है उस वर्ड के अराउंड घूमता है। तो आपने फर्स्टली ये ध्यान रखना है कि वो किस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा है। इसके साथ साथ जैसे आपने इसमें बोलना है और सुनना है, इसलिए इसके जो मार्क्स है आपको स्पीकिंग और लिसनिंग में भी मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। पहले क्या करना है, पहले आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। आपने जैसे ही सेंटेंस सुनना है, 6 to 9 सेकेंड्स का होगा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इन योर माइंड, आपके दिमाग में उसको जब सुनना है उसको डिवाइड कर लेना है कि स्पीकर क्या बोल रहा है। उसके बाद उसको आपने वही सेंटेंस रिपीट करना है। तो इसमें आपने इंटोनेशन का ध्यान रखना है। इंटोनेशन मीन्स क्या, कहाँ पर जो स्पीकर है नीचे जा रही है उसकी आवाज़, कहाँ ऊपर जा रही है, कहाँ स्ट्रेस जा रही है, आपने इंटोनेशन कॉपी करनी है। बट आपने एक्सेंट और स्पीड नहीं कॉपी करनी स्पीकर की, वो अपनी ही रखनी है। जो आपकी स्पीड और एक्सेंट है वो अपना ही रखना है। इसके बाद एक तो इसका वे हो गया, एक तरीका तो ये है कि आपको सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसको बोलना है। सेकंड इसका वे है, सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे स्पीकर सेंटेंस बोलता है तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपने नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन करने के बाद आप उसको रिपीट कर सकते हो। उसके बाद आपने
इसमें फंबल नहीं करना है, इसकी इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज़ अगर आप फंबल करोगे तो वो आपका वर्ड गलत हो जाएगा और उसके मार्क्स कटेंगे। आप जितने वर्ड मैच करोगे स्पीकर के साथ, मींस जो स्पीकर ने बोला, अगर आपने एग्जैक्ट वैसा ही बोल दिया तो आपके जो मार्क्स फुल मिलेंगे आपको, ओके। तो अगर फंबल करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इसका एक और वे है करने का, अगर फॉर एग्जांपल आपको सेंटेंस, आपने सेंटेंस सुना लेकिन आधा सेंटेंस सुना, आधा आपने सुना मींस आपको समझ नहीं आया, तो आपने वहां पर फंबल नहीं करना, जो आधा सुना वो बोलना है, जो सेंटेंस रह गया रिमेनिंग सेंटेंस आपने खुद अपनी तरफ से बना के बोल देना है। एक दो में ऐसा हो जाएगा तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ओके। तो उसके बाद रिपीट सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें प्रैक्टिस की बहुत लोड है, तो ज़रूरत है प्रैक्टिस की। इसके लिए आपको, आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, न्यूज़ देखो, सॉन्ग सुनो, तो उसके बाद जैसे आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसको जब वो डायलॉग बोलेगा, आप इसको पॉज करके तो उसके बाद उसको डायलॉग को रिपीट करने की कोशिश करो। टीवी देख रहे हो तो न्यूज़ को रिपीट करने की कोशिश करो। सॉन्ग सुनो, सॉन्ग की वर्डिंग को रिपीट करने की कोशिश करो। तो एक और तरीका है, जैसे मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने आप डाउनलोड करके कुछ सेंटेंसेस गूगल से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में लोड कर लीजिए, और जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं वैसे, जैसे कार में जा रहे हो तो उसको कार में सुनो, और नहीं तो आप जैसे वॉक पे जा रहे हो, घर का कोई भी काम करते हो, हेडफोन लगा के सुनो, उसको रिपीट करो, उसको दिमाग में समझो कि वो कैसे कर रहा है, ओके। तो अभी हम एक सेंटेंस लेंगे जिसमें आप देखोगे कि उसको कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लेट्स सी, ओके, दिस इज अ सेंटेंस, आई एम गोइंग टू प्ले इट। ओके, अभी स्पीकर ने क्या बोला, मोस्ट टीचिंग स्टाफ मेक देयर लेक्चर नोट्स अवेलेबल ऑनलाइन। अभी फर्स्ट सेंटेंस क्या है, मोस्ट टीचिंग स्टाफ, एक सेंटेंस हो गया, दिमाग में इसको डिवाइड करो करो, उसके बाद क्या हो गया, मेक देयर लेक्चर नोट्स अवेलेबल ऑनलाइन। अंडरस्टैंड, मीन्स कोई भी सेंटेंस आएगा वो ऐसे ही आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर आप डिवाइड कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जैसे मोस्ट टीचिंग स्टाफ है, मोस्ट की एम, टीचिंग की टी, स्टाफ की एस, मेक देयर लेक्चर नोट्स, मेक की एम, देयर की टी, लेक्चर की एल, ऐसे जैसे जैसे जो भी वर्ड उसका फर्स्ट, जो फर्स्ट लेटर है वो आप नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद जैसे ही आपका आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो तो आपने उसको बोलना शुरू कर देना है। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, अगर आप तीन सेकंड से ज़्यादा चुप रहे या 3 सेकंड तक चुप रहे तो आपका जो जो है वो सेंटेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, वो आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो नेक्स्ट सेंटेंस पे चले जाएगा। इसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है, जैसे आप सुनते हो सेंटेंस को, उसके बाद मैक्सिमम 6 to 7 seconds मिलते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। सो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप उसको याद करो या रिपीट कर सको। अंडरस्टैंड, उसके बाद मैं लास्ट में जो बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी अपना बच्चों की हेल्प के लिए मैंने शुरू किया है, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू की हैं पीटी रिगार्डिंग, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो इट्स अप टू यू। अगर आपको और गाइडेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, और आप ऑनलाइन क्लासेस बुक करवा सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी, मैं जस्ट वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स। तो मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगी, तो आपको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।